हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन 65, जो आजकल स्टार्टर या स्नैक्स के फॉर्म में लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप भी इसे झट से बनाइए और झट से खाइए। इसे आप हरी चटनी या सॉस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन को अच्छे से धो लिया है। इसमें मैं 4 चम्मच दही डालूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ये है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। इन सबको अच्छे से मिला लेना है। तो मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है। करी लीव भी डालना है और अच्छे से मिला के 1 घंटे के लिए इसको ढक के रख देना है। तो मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसे ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। चिकन को मैरिनेट किए हुए मुझे 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब मैं इसमें चावल का आटा मिलाऊंगी और फिर इसको मिक्स करके और फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है, राइस फ्लावर, देखती हूँ कितना लगता है। डाल के और मिलाते जाइए। ये रेडी हो गया है। मैंने सारा राइस फ्लावर इसमें डाल दिया है। अब ये रेडी है फ्राई करने के लिए। तेल भी मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। तेल को अच्छे से गरम होने दीजिए, ठंडे तेल में बिल्कुल भी मत डालिए। तो तेल जब तक गरम हो रहा है तब तक हम और अच्छे से मिला के और फ्राई करेंगे। तेल अभी अच्छे से गरम हो गया है। अभी देखिए मैं टेस्ट करती हूँ, अगर मैं थोड़ा भी डालती हूँ तो वो झट से ऊपर आएगा। तो तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम डालते जाएंगे। क्या एक बार में जितना ले उतना ही डालिए, बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिए। तो मैं 4 से 5 ही डालूंगी क्योंकि मेरा कढ़ाई छोटा है बस। और फ्लेम मीडियम टू हाई रखिए, स्लो फ्लेम में मत इसको पकाइए। चिकन अच्छे से पक गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम किया है। अभी हम चिकन को कुछ मसालों के साथ बस टॉस करेंगे। तो तेल अच्छे से गरम हो गया है। इसमें हम गार्लिक है ये 1 टेबलस्पून है, थोड़े से कड़ी पत्ता और 1 मिर्ची स्लाइस फ्लिप कर लिया मैंने मिर्ची को और चला लेंगे। थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर है। कोई सॉस डालने का ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई भी टमाटर सॉस या चिली सॉस मैंने कुछ भी नहीं डाला है। बस ये हमारा तैयार है। अब हम चिकन डाल देंगे और इसमें बस एक अच्छा टॉस देना है। चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये बन के बिल्कुल तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।